गोरखपुर से बीजेपी के नव निर्वाचित सांसद व भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन रविवार को चुनाव जीतने के बाद पहली बार नगर पंचायत उनवल का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान नव निर्वाचित सांसद रवि किशन का नागरिकों ने भव्य अभिनंदन समारोह में स्वागत किया। ये देखकर रवि किशन भाव विभोर हो गए। भव्य अभिनंदन समारोह पूर्व विधायक बिरजेश उर्फ राजेंद्र सिंह के हाथे में आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसद रवि किशन ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने जिला जिताकर हमें सांसद में भेजा, हम आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे लिए घर परिवार तथा देवालय एवं चारों धाम मेरा संसदीय क्षेत्र है। योगी जी ने एम्स तथा खाद कारखाना दिया। यदि पूज्य योगी जी तथा मोदी जी का आशीर्वाद रहा तो गोरखपुर की अलग पहचान बनाकर इस क्षेत्र के नौजवानों तथा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दिलाने में जरा सी भी कोताही नहीं करूंगा। और आपने पीछे आ जाइए। युग ऐसा आया है देख रही उपलब्धि समूची आज आज मोहबल आज उठ रहा धुआं नाच रहा धरती पर अंबर पर मापावर दे गुरु समर्थ हो। मैं आप लोगों का रेडी हो गया हूँ। पहले ही आप लोग एक ऐतिहासिक चीज से हमको इतना गदगद कर दिए कि प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को धन्यवाद भेजा है हमारे द्वारा। हम पार्लियामेंट में थे, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि गोरखपुर की धरती को अभी प्रणाम करना और सबको धन्यवाद देना कि उन्होंने जो इतिहास रचा है। आज तक इस गोरखपुर की धरती पर कभी ये इतिहास नहीं रचा गया, इसका पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है। मैं नमन करता हूँ आप लोगों को, सारी माताओं को, बहनों को, बिटिया बच्चों को, बाबा लोगों को, उस सारे नए वोटरों को, युवा पीढ़ी को, हर व्यक्ति को, किसान को, गरीब गुरबा को, हर बिरादरी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने जो इतिहास रचा है, बाबा जी बहुत मेहनत कहलन, जैसे शीतल पांडे जी कहलन, एक एक गांव गांव, एक एक बच्चा बच्चा, एक एक घर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ वर्करों के साथ इतना झोंके हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हिंदू युवा वाहिनी कुछ योगी महाराज अकेले क्या करते, अगर ये सारी पूजाएं नहीं बनते तो आज हम लोग बोलने के लायक नहीं थे, क्योंकि अपोजिशन एक पहाड़ की तरह था, क्योंकि वो दो वोट थे, वो दो पार्टी एक साथ हुए थे, तो एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर जो आए थे उनका मनोबल भी बढ़ा था 2018 के चुनाव से। आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया, मार के लोगों के गर्दा उड़ा देना, खत्म कर दिया, ऐसा गर्दा उड़ेला कि लोगों के अभी 50 साल लगी चुनाव में फिर सोचे कि पड़ी के हम लोग गठबंधन बनाए, वो तो अब तो देख ला कि टूट गए गठबंधन, मार के फस कर खत्म हो गया गठबंधन का मार, चिंदी चिंदी हो गया मार एकदम। आरडी सिंह जी के हम धन्यवाद देव, हरिशंकर सिंह जी के, छोटे लाल मौर्या जी के, मंडल अध्यक्ष जनार्दन श्रीवास्तव जी के,
संचालन करता और बहुत ही कर्मठ और महाराज जी के बहुत दिल के करीब रामपाल भैया जिन पर आप विश्वास कर सकते हो कोई भी कार्य देखे कि रामपाल भैया जाइए यहाँ ये आपको कार्य अचानक करना, रात को बोलो कि सवेरे संचालन करना है मंच, और ये रामपाल भैया हमेशा एक योद्धा की तरह, एक सच्चे योद्धा की तरह आप जुट जाते, हिंदू युवा वाहिनी की तरह काम कर रहा है। इतना बढ़िया हमारे संघ के लोग इतना अच्छा काम किए हैं, संघ को भी मैं धन्यवाद दूंगा, संघ प्रचारक लोगों ने इतना अच्छे से आप लोगों को जनवाया, और उसके बाद मैं धन्यवाद आप लोगों को दूंगा। आप लोग जानते हैं जीत क्या है, मैं आप लोगों को बता दू, ये जीत वो जीत बा जेकर चर्चा प्रधानमंत्री करत है, कहें कि हम जीतला के जीते के बाद तुरंत हमके दिल्ली बुलाया गए, हम पार्लियामेंट में गए, शपथ रहा प्रधानमंत्री जी का, ओजा चर्चा रहल 303 पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद टीवी थे सब लोग थे, और वहां पे चर्चा गोरखपुर की चली, वहां चर्चा कहे कि बहुत कठिन ये मुख्यमंत्री जी का सम्मान गई उनका नाथ को बात रहे, ये गोरखपुर के मंदिर के सीट रहे, पूरे देश की नजर इस पर थी, क्योंकि हमारा कार्यक्रम आगे रहे, लेकिन हम तुरंत आकर 16-17 तारीख से हमारे पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुई, और वो सारी चीज ऐसे ऐसे मेहनत करके जो तोहफा हम देव के सोच ले रही, और जो जन बात हो गई वहां हमारे, और जो जन ही हम पार्लियामेंट के सेशन में गोरखपुर की समस्या का जो बड़ बड़ समस्या बा ओकरा के उठाई, ये आवाज जो आप लोगों ने दी है, ये आवाज जो आप लोगों ने मुझे दी है, ये आवाज मुझे ही पार्लियामेंट, ये आवाज एक गोरखपुर की आवाज बनी, ये आवाज कुल गरीब दुर्बल किसान भाई लोगों की आवाज बनी, ये आवाज कुल बिरादरी खातिर आवाज बनी, ये आवाज पर महाराज जी का सम्मान रही, ये आवाज पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान रही, और ये एक ऐसे कलाकार के चुनला सांसद के रूप, तो हमके मालूम है गरीब के दुख, हमके मालूम है समस्या का होला, हमारे पास समस्या आई शुरू हो गई बा, और हम तुरंत उस पर कार्य कर रहे हैं, हम शहर में आप लोग अखबार में पढ़ रहे हो, हमने तुरंत कार्य किया, हम कल सवेरे से लेके रात तक जहां जाना था हम सबके पास गए, सारे विधायक जी से मिले, इनके घर गए, हर महामेयर साहब के पास गए, बरसात आ रही तो उसमें पानी का जाम का समस्या ना हो, ये होगा बाढ़ आ रहा है तो उसके पहले की समस्या, वो सारी समस्या जो आने वाली जो दिख रही है कि आएगी उसको पहले से कैसे तय किया जाए, पहले से कैसे उस पर हम लोग अंकुश लगाए, कैसे रोजगार दिया जाए, अब वो बात होगी, चुनाव आया जीत गए, अब कार्य का समय आ गया, अब हमारे मन में यह हो कि कैसे हम अपने नौजवान लोगों को कार्य दें, कैसे महिला लोगों खातिर, बच्ची लोगों खातिर, बिटिया लोगों खातिर शादी ब्याह से लेके योजना जो प्रधानमंत्री की योजना बा कैसे हमारे गांव देहात तक पहुंचे, और अनगिनत योजना है प्रधानमंत्री का, सब हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसी कोई ऐसा गरीब नहीं बचेगा, जी का सपना है फर्टिलाइजर के द्वारा, चीनी कारखाना के द्वारा, एम्स के द्वारा, और अब फिल्म सिटी के द्वारा अनगिनत लोगों के रोजगार मिली, देखा सरकार पर बहुत बोझा होता है, आबादी बढ़ती जाती है, लखनऊ नाटक नाटक अकेडमी का लड़का लोगों को बुलावा नहीं, अब विधायक जी और सब लोगों से मिल के अभी पूरा टोला निकली गांव गांव लड़का लोगों के संगीत से लेकर हर विभाग में सीखे, ये बड़ा सम्मान की आज ये नौकरी है, कलाकार कला मां भगवती कृपा होती, ये रोजगार से पहले शुरुआत हुई, और ऐसे अनगिनत योजनाएं आई, सारा शहर में जाम का समस्या बा, कहां कहां ब्रिज बांटे, हमने भी गडकरी साहब से बिजली करी बिजली गर्जन, हम तो बहुत जोर दी आपके पास, और क्या चलिए बताइए,